वीडियो पूरा ध्यान से देखना, कमाल का इंटरव्यू है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग गेट और ESC का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, वो ले लो जाकर के, अनअकैडमी पर वैसे भी प्राइस हाइक होने वाला है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, गेट में जो टॉप 10 रैंकर्स हैं उनका जो सिलेक्शन हुआ वो अनअकैडमी के थ्रू ही हुआ, और ये 100% ट्रुथ है। और आपको आज मैं जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, गौरव कुमार, उनका इंटरव्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए उनके इंटरव्यू पे लेके चलते हैं आप लोगों का, और वहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जब गौरव खुद आपको बताएंगे चीज़ें, तो वहाँ पे और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपने इतना बड़ा माइलस्टोन क्रैक किया है लाइफ में, इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अचीवमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गौरव, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, आपको फीलिंग कैसा आ रहा है, मतलब इस समय पे कैसा फील हो रहा है यार, फर्स्ट रैंक लेकर क्या हो, मतलब ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल आर एबल टू डू इट इन दिस कंट्री, तो कैसा लग रहा है? सर अभी तो कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम आती है तो एग्जैक्ट से आपको इमीडिएट से आपको ऐसा रियलाइज नहीं होता है, तो 2-3 दिन मुझे लगेंगे ये रियलाइज करने में कि फर्स्ट टाइम का ही। अभी तो कुछ ज्यादा मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा गौरव, आप नहीं फील कर पा रहे हो, लेकिन जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, पेरेंट्स, उन लोगों का कैसा रिएक्शन है? सर सब लोग काफी खुश हैं। सब लोग काफी खुश है। तो जब आपने यार पहले ही रिजल्ट चेक कर लिया होगा, ऑब्वियसली आजकल रैंक प्रेडिक्टर का जमाना है, और जब आपने बताया 3 बार 4 बार चेक करने के बावजूद आप फर्स्ट रैंकर हो, तो कैसा रिएक्शन, मतलब फर्स्ट रिएक्शन कैसा था उन लोगों का? सर सब लोग बहुत खुश थे। इसके अलावा गौरव, आप अनअकैडमी से कैसे जुड़े और क्या आपको बेनिफिट हुआ अनअकैडमी ज्वाइन करने का? यस सर, एक्चुअली जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो आई थिंक उस टाइम मैंने ये ऑलमोस्ट जब ये मतलब दिसंबर में था, तो उस टाइम मैंने अनअकैडमी का कॉम्बैट दिया था, तो उसमें मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गया था, तो मैं प्लस सब्सक्राइबर बन गया। तो वहाँ मैंने वीडियोस देखे थे, मतलब जो भी आपके मतलब जो भी थोड़े क्रैश कोर्स के वीडियोस थे, उससे थोड़ा बहुत हेल्प किया मुझे, मतलब वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करने में। इसके अलावा मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया था अनअकैडमी का, तो उस टेस्ट में क्या था कि वो टेस्ट लाइव थे, तो उससे हो रहा था कि अगर टेस्ट लाइव होते हैं ना, तो आपको एकदम रियल एग्जाम वाला फीलिंग देता है, क्योंकि तो आप टेस्ट को बीच में पॉज नहीं कर सकते या फिर कुछ नहीं कर सकते, तो वो एग्जाम टेम्परामेंट आपका काफी डेवलप कर देता है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी दे रहे थे, तो उसमें एक फीचर होता है कि जो लीडर बोर्ड आती है, तो लीडर बोर्ड में था कि इवन फर्स्ट रैंक से लेकर के लास्ट रैंक तक सबके वो मार्क्स दिखाते हैं, तो आपको प्रेशर रहता है कि आप जो परफॉर्म करोगे आपके बगल वाला वो मार्क्स देखेगा, तो अलग से वो प्रेशर डेवलप करता है जो आपको हेल्प करेगा एक्चुअल गेट एग्जाम में। सो दैट वाज रियली गुड। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल की वजह से एक प्रेशर रहता है कि यार टॉप पे आना है लीडर बोर्ड में, अदरवाइज बाद में क्या बात करेंगे। तो बाद में क्या ऑल बात इंडिया मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कंपेयर टू गेट कैसा रहता था? सर, ओवरऑल मैं बताऊं तो स्टार्टिंग जो भी अनअकैडमी की मॉक टेस्ट थी, तो फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक उसकी डिफिकल्टी लेवल लेवल रिड्यूस हुई थी, तो आई थिंक फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे 62-63 बने थे फर्स्ट टेस्ट में, और लास्ट लास्ट मॉक टेस्ट में 80 मार्क्स आए थे, वो ग्रेजुअली सर इंक्रीज करता गया, सो 62-65-70-73 लास्ट में जाकर के 80 मार्क्स, क्योंकि स्टार्टिंग में था कि मेरा रिविजन भी उतना नहीं था सर, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ड्रॉप मतलब बैक के बाद आया था ना, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का ब्रेक हो गया था, बिल्कुल मुझे थोड़ा टाइम लग गया था डेवलप करने और में। गौरव, जैसे एग्जाम आफ्टरनून में था इस बार इलेक्ट्रिकल का, तो उस डे को कैसे मैनेज करना चाहिए लर्नर्स को अगर दोपहर में एग्जाम देने जाना है? तो एक्चुअली मेरे लिए तो ये बहुत सूट कर गया, क्योंकि लास्ट के दो जो दो एग्जाम हुए थे इलेक्ट्रिकल के, वो सुबह हुए थे, तो मुझे था कि सुबह एक थोड़ा डर रहता था कि मैं सुबह टाइम पे उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, इस बार आफ्टरनून में हो गया तो था कि आराम से मतलब उठा, और मतलब ज्यादा मतलब टेंशन नहीं लिया कि मतलब क्या होना है क्या नहीं होना है, कुछ लास्ट डे में कुछ पढ़ा भी नहीं था, मतलब आराम से बस टाइम पास कर रहा था, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा था जिसमें मेरा मतलब दिमाग बस एग्जाम से थोड़ा डेविएट हो, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा था, बस जाकर के एग्जाम देना है। खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रख रहे थे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इंटरव्यू आप लोगों ने देख लिया है, तो अगर आप लोग मेरा जो कोड है उसको करियर अड्डा यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि देखो, टॉपर्स ने यहाँ पढ़ाई करके, अनअकैडमी पे पढ़ाई करके टॉपर्स ने फर्स्ट रैंक लेकर के आया है, तो ऑब्वियसली अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के गाइडेंस में आप पढ़ते हो, यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है, यहाँ के जो कोर्सेस है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो टॉपर्स जब ये बात बोल रहे हैं कि अनअकैडमी पे आओ पढ़ो, और अनअकैडमी पे
आओ, अच्छे से तैयारी करो, अच्छी रैंक लेकर के आओगे तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी पे। तो जाइए, प्राइस हाइक ना हो जाए, लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आज ही जाकर के अपना सब्सक्रिप्शन ले और अपने गेट के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएं।